हेलो गाइस, आज की हम इस वीडियो में KVL एंड KCL का एक एग्जांपल देखेंगे। इस वीडियो में हमें KVL प्लस KCL दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि किरचॉस वोल्टेज लॉ एंड किरचॉस करंट लॉ है। हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें एक सर्किट गिवन है एंड हमारे पास V1 पोटेंशियल यहाँ गिवन है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, V3 पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस एंड V2 पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। हमें तीन करंट दिए हुए हैं I1, I2 एंड I3 एट जंक्शन ए एंड 30 वोल्ट करंट सप्लाई। गाइस, हमें इसमें I1, I2, I3 एंड V1, V2 एंड V3 फाइंड आउट करना है। सो गाइस करते हैं, तो सबसे पहले हम जंक्शन ए पे देखेंगे। जंक्शन ए पे हम लोग किरचॉस करंट लॉ KCL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KCL एट जंक्शन ए। तो यहाँ पे गाइस KCL हमें पता है क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे हमारे पास I1 इनकमिंग करंट है एंड I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट। सो इनकमिंग करंट दैट इज I1 विल बी इक्वल्स टू I2 प्लस I3 अकॉर्डिंग टू किरचॉस करंट लॉ। देन गाइस हम ये वाला लूप कंसिडर करते हैं, सबसे छोटा लूप। यहाँ पे हमारे पास दो लूप हैं, एक ये लूप, एक ये लूप और एक ये पूरा बड़े वाला लूप। हम हमेशा छोटे लूप कंसिडर करते हैं, तो हम सबसे पहले इस लूप को देखते हैं। इसको हम लूप वन नाम दे देते हैं एंड इसको लूप टू। सो कंसिडरिंग लूप वन एंड अप्लाइंग KVL। अब गाइज हम डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूंगा इस केस में। सो मैंने बताया था हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड हमेशा सेकंड साइन, तो यहाँ पे सेकंड साइन प्लस है, सो इट विल बी 30 वोल्ट। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे गाइज V1 की जगह मैं I की टर्म्स में इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास I की टर्म्स में इक्वेशन है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। सो करंट अक्रॉस रेजिस्टर में पता है आई इंटू आर होता है, करंट I1 है एंड रेजिस्टेंस 8 ओम है, सो इट विल बी 8 I1। देन यहाँ पे आते हैं, इसका सेकंड साइन भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव साइन एंड वी इक्वल्स टू IR। आई इसमें हमारे पास I2 है करंट, I2 एंड रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0 अकॉर्डिंग टू KVL। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। सिमिलरली हम लूप टू कंसिडर करेंगे, उसमें KVL अप्लाई करेंगे। इसमें भी डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी ले सकते हैं गाइस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सो इसमें क्लॉकवाइज ली थी, तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड साइन यहाँ पे नेगेटिव है, सो इट विल बी माइनस ऑफ 3 एंड करंट इज I2, V इक्वल्स टू IR माइनस 3 I2 एंड देन इट विल बी सेकेंड साइन यहाँ पे प्लस है। इस वाले लूप में इस एलिमेंट का सेकेंड साइन प्लस है अगर हम ऐसे चलते हैं तो। सो इट विल बी 6 एंड करंट इज I3 विच विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब गाइज अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैं 3 I2 को राइट हैंड साइड ले जाऊँ, तो मेरे पास I2 की वैल्यू ट्वाइस ऑफ I3 आ जाती है। इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। अब अगर मैं गाइज ये वाली इक्वेशन I2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ ट्वाइस ऑफ I3, तो मेरे पास I2 की टर्म्स में एक इक्वेशन आ जाएगी सिंगल वेरिएबल में। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, सब्सटीट्यूटिंग I2 इन इक्वेशन 2। सो गाइज ये क्या हो जाएगा, 30 एंड इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड ले गया, 8 I1 प्लस थ्राइस ऑफ I2, I2 की वैल्यू यहाँ से हमने ट्वाइस ऑफ I3 डाल दी एंड यहाँ पे हम I1 की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं I2 प्लस I3। सो इट कैन बी रिटर्न एज 30 इक्वल्स टू 8। I1 की जगह हमने I2 प्लस I3 एंड इट विल बी 6 ऑफ I3, 6 टाइम्स I3
इसको हम अगर 30 इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे हम I2 की वैल्यू हमें पता है ट्वाइस ऑफ I3 होती है, तो ये सारी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल दैट इज I3 की टर्म्स में आ जाएगी। सो I2 की जगह मैंने यहाँ पे ट्वाइस ऑफ I3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस I3 प्लस 6 टाइम्स I3। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो होगी 30 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स I3 प्लस 6 ऑफ I3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 इक्वल्स टू 8 3 24 I3 प्लस 6 टाइम्स I3 विच विल बी इक्वल्स टू 30 इक्वल्स टू 30 I3, एंड यहाँ से हमारे पास I3 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। I3 की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर आ गई गाइस, एंड हमने पहले देखा था कि I2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ I3 होता है। सो यहाँ से हमारे पास I2 की वैल्यू 2 एम्पियर्स आ गई, एंड हमने किरचॉस करंट लॉ से जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ से हमने निकाला था I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। सो यहाँ से हमारे पास I1 आ गया I2 दैट इज 2 एम्पियर प्लस I3 दैट इज 1 एम्पियर विच इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर्स। तो गाइस हमारे पास I1 3 एम्पियर्स, I2 2 एम्पियर एंड I3 1 एम्पियर आ गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो V1 विल बी इक्वल्स टू I1 करंट, एंड हमारे पास सर्किट में जो रेजिस्टेंस था वो 8 ओम्स का था। सो I1 इज 3 × 8 दैट इज 24 वोल्ट्स। V2 में हमारे पास I2 करंट था, एंड V2 के साथ हमारे पास जो रेजिस्टेंस गिवन था वो 3 3 ओम्स का था। सो I2 इज 2 3 × 2 6 6 वोल्ट्स। I2 हमारे पास 2 एम्पियर हमने अभी डिराइव किया, एंड V3 इक्वल्स टू I3 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास I3 के साथ जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम्स का था। सो इट विल बी I3 हमारे पास 1 है, सो इट विल ऑल्सो बी 6 वोल्ट्स। तो फाइनल वैल्यूज हमारे पास I1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, एंड V1 इज इक्वल टू 24 वोल्ट्स, V2 इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स, एंड V3 इज ऑल्सो 6 वोल्ट्स। इस क्वेश्चन में गाइस हमने KVL एंड KCL दोनों अप्लाई करे।